चलिए आज हम लोग एक फूल बनाना सीखते हैं। अभी रोलेक्स डालेगा, देखो कंप्लीट हो गया रोलेक्स डाल के। अभी सूता निकलेगा ऑरेंज, थ्री करके देखो गोल किया है तो, और रेड को सिंगल, क्योंकि ऊल है ना इसीलिए सिंगल। अपना मर्जी से सूता निकाल सकते हैं। यहाँ से अभी कॉर्नर को थोड़ा गैपिंग रखेगा तो एक यहाँ से दो रिमूव निकलेगा, उसमें सूता डालेगा, दो रिनबुम गैपिंग और दो रिनबुम में सूता, रेड ऑरेंज करके ये दोनों कलर को सबसे पहले डालना है। ऐसे करके यहाँ से ये कॉर्नर दूसरा कॉर्नर तक ऐसे ही यही स्टेप में कंप्लीट करना है। ये सबसे पहले सूता कैसे डाला जाता है यही है, देखो दो गैपिंग, दो में सूता डालेगा, दो गैपिंग, तो दो गैप करके देखो, दो गैप है ना, ऊपर से एक नीचे से एक करके दो रिनबुम गैपिंग करके हम लोग ऐसे ही डालते रहना है। सबसे फर्स्ट में सूता डालते समय में देखो ऐसे ऐसे करके सबको आप कंप्लीट करना है। ये अभी के लिए ये दोनों कलर है, सूता को आप अपना मर्जी से डाल सकते हैं कि अपना कलर कॉम्बिनेशन अपना ऊपर में है ना। तो मैंने यहाँ में ऑरेंज रेड वाइट चूज किया है, तो ये देखो कलर भी सिंगल सिंगल करके देखो, वन ऐसे ऑरेंज रेड करके। तो चलिए अभी सूता डालने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं कॉर्नर से। देखो ये जो रेड जो अभी ग्रांग बनेगा, सिंगल सिंगल रिनबुम निकाल के क्रॉस मारना है, तो ये रेड साइड में अभी ऑरेंज जो जाएगा दो दो रिनबुम करके देखो, और ये रेड से डिवाइड करेगा, रेड जो एक जो इस साइड से और एक उस साइड से जाएगा, देखो ऑरेंज भी दूसरा साइड से जाएगा। तो ये अभी मिडिल से पार्क हो गया, तो यहाँ से ये सेम स्टेप सिंगल सिंगल करके अभी सेकेंड स्टेप है। ये सेकेंड स्टेप में ही सेम करना है, देखो वन वन करके क्रॉस मारना है, और ऑरेंज भी सेम जाएगा, हाँ दो दो करके इस साइड से जाएगा और रेड भी इस साइड से, और अभी दूसरा साइड से ऑरेंज दो दो करके जाएगा, एग्जैक्ट रेड से डिवाइड करेगा मिडिल वाला रेड से हो गया। अभी ये ग्रांग उठेगा, सिंगल सिंगल करके क्रॉस मारेगा, सेम स्टेप है ऐसे करके। ये अभी सेकेंड टाइम है ना, तो ऐसे ही करके सेम सेम करके देखो, सेकेंड स्टेप ऐसे ही है। ये ऑरेंज भी इस साइड से जाएगा, देखो अभी ये थ्री स्टेप है, तो थ्री टाइम में ये तो रेड जो सेम जाएगा ऐसे एक एक करके क्रॉस मारते रहेगा, ये शुरू से एंड तक ऐसे ही चलेगा। तो अभी ये दूसरा देखो थ्री स्टेप, वन टू थ्री हो गया, तो ये जो नीचे चला जाएगा एक ऑरेंज जो जो सबसे फर्स्ट ग्रांग का सामने में रेड का सामने में आता है वो नीचे चला जाता है। देखो यहाँ से ना ये रेड जो ग्रांग ऊपर उठता है उसका सामने में जो ऑरेंज आएगा, ये देखो ये तो सिंगल सिंगल क्रॉस मारेगा, ये जो अभी नीचे चला जाएगा अंदर चला जाएगा, और ये सेकेंड वाला थोड़ा सामने आएगा ऐसे करके। तो ये जब थ्री स्टेप कम्प्लीट हो जाएगा, कम्प्लीट हो गया बना के, जब थ्री स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तब मिडिल का वाइट को डालेगा। ये देखो एक चिक ये वाइट को अभी डालना शुरू करेगा, ये वाइट को अभी डालेगा, देखो यहाँ से एक चिक मिडिल से दूसरा मिडिल तक देखो ऐसे करके हम दो दो निकाल के डाला हुआ है, ऐसे करके सब में ते हो गया, सूता डाल के हो गया। अभी फोर्थ में ये तो ऐसे ही जैसे पहले था, आगे पहले था जैसे उठते रहेगा, ये क्रॉस मार मार के। अभी ये ऑरेंज सिंगल हो गया, ये थोड़ा ग्रांग का सामने आते रहेगा रेड भी, और ये दोनों दो रिनबुम में क्रॉस करेगा वाइट जो, तो ऑरेंज तो सामने जाते रहेगा ऐसे डिवाइड करते रहेगा, तो ये ग्रांग जो ऐसे ही ऊपर उठते रहेगा, सेम स्टेप ऐसे ऐसे करके सबको यही करना है।
वाइट जो ऐसे क्रॉस मारेगा। तो अभी हम लोग ये करेगा फाइव टाइम में ये ऐसा है, रेड जो सेम उतरेगा, सेम ही उतरे रहेगा सिंगल सिंगल करके क्रॉस मार के, और फाइव टाइम में ये दूसरा ऑरेंज भी नीचे चला जाएगा। ये देखो अभी ऑरेंज अंदर सब चला जाएगा, रेड तो रहेगा, ये वाइट जो दो रिनबूम करके डिवाइड करेगा, एक उस साइड एक इस साइड करके, तो ऑरेंज जो अंदर चला जाएगा। अभी फाइनली दोनों ऑरेंज अंदर चला गया, तो ये रेड जो गांग जो उतर रहेगा सिंगल सिंगल करके ना। तो अभी ये सब ऐसे फाइव टाइम में, जब पांच टाइम होगा फाइव टाइम में अभी नेक्स्ट सूता डालेगा, फिर से वाइट डालेगा। अभी ये सिंगल सिंगल हो गया तो सूता जाओ, उसके लिए अभी एक एक करके डालेगा फोर रिनबूम निकाल के ऐसे ऐसे करके। जब फाइव टाइम होगा, फाइव स्टेप होगा, तभी इसको डालेगा। देखो ऐसे करके सब में डालना है, ये सेकेंड गोल बनाने के लिए। फर्स्ट गोल तो हो गया वाइट वाला, सेकेंड गोल बनाने के लिए। तो अभी हो गया सिक्स टाइम, सिक्स स्टेप। अभी सिक्स स्टेप में ये रेड तो ऊपर ही उतरे रहेगा, थोड़ा सामने ये ऐसे ही सेम उतरेगा, तो रेड जो थोड़ा सामने आ गया, वाइट जो ऐसे दो रिनबूम करके गोल करेगा, राउंड करेगा, और दो रिनबूम करके ऐसे करेगा, और फिर रेड जो थोड़ा सामने आएगा जो गांग का सामने में, गांग जो ऊपर उतरे रहेगा सिंगल सिंगल करके, देखो, और रेड जो थोड़ा सामने आते रहेगा जैसे पहले था, इसको ऐसे फिर से बनेगा दो में ऐसे क्रॉस करेगा, और दो में यही क्रॉस करेगा। ऐसे करने के बाद यही जब सिक्स टाइम होगा तभी वाइट को डालना है, जब ये वाइट को मिडिल में डालना है। देखो ऐसे करके मिडिल में जब सिक्स टाइम होगा तभी वाइट को दो 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 रिनबूम करके सबसे मिडिल में डालना है। अभी सेवन टाइम, सेवन स्टेप में रेड जो ऊपर उतरे रहेगा सेम क्रॉस मार के, उसके बाद ये जो रेड सामने आएगा उसको थोड़ा मिलाएगा यहाँ में, उसके बाद ये वाइट जो थोड़ा दो स्टेप बढ़ाएगा, दो रिनबूम करके नेक्स्ट स्टेप चला जाएगा, थ्री गोल का बनने के लिए। दो गोल बन गया ना, अभी यहाँ में दो रिनबूम करके ये साइड में आएगा, और अभी जो वाइट डाला गया था इसको दो रिनबूम करके बाग करेगा, एक उस साइड एक इस साइड से करके, ऐसे करके ये वाइट जो ऐसे ही होगा। तो अभी रेड वाला तो सेम होगा, गांग जो ऊपर वन वन करके क्रॉस मार के उतरे रहेगा, और ये रेड जो सामने हो गया इसके लिए जो गांग ऊपर उतरता है इसका सूता का साथ में सेम पोजिशन में लाएगा। तो अभी ये वाइट जो दो कदम इस साइड जाएगा, दो कदम उस साइड जाएगा, ऐसे होके जब सेवन टाइम कंप्लीट होगा तभी ये जो पहले ऑरेंज अंदर चला गया उसी को वापस मिडिल में लाना है, दोनों का वाइट बीच में एक चिक सेंटर में वापस ऑरेंज को लाना है। देखो ऐसे करके ऑरेंज को वापस लाना है, ऐसे करके वापस लाएगा सबको। उसके बाद अभी एट स्टेप में होगा, एट टाइम, तो ये जो सेम ऊपर उतरेगा एट टाइम में भी, और ये रेड वाला दो रेड का बीच में गैपिंग डालेगा सिंगल रिनबूम, और ये वाइट जो दो रिनबूम करके ऐसे राउंड करेगा, और जो अभी ऑरेंज और वाइट को मिक्स करके दो रिनबूम में ऐसे राउंड करके क्रॉस मारेगा, और ये रिनबूम दो करके इसको क्रॉस मारेगा, और ये अभी इक्वल में आ गया रेड जो राउंड वाला और ऊपर उतने वाला सेम हो गया, उसके लिए अभी ऊपर उतने वाला को सिंगल सिंगल करके क्रॉस किया। उसके बाद ये जो राउंड होता है इसको इस साइड वाला को उस साइड में लाएगा, और इस साइड वाला को
उस साइड में लाएगा तो तीन तो रिनबूम करके, तो ये रेत दोनों का बीच में सिंगल रिनबूम गैपिंग होना है। तो ये तो सेम ही ऐसे करेगा, राउंड करेगा, और ये मिडिल का सूता मिक्स करके ऑरेंज का साथ में दो रिनबूम में राउंड करके क्रॉस करेगा। देखो अभी एट टाइम में एक चेक मिडिल में आ गया। देखो एट, जब एट टाइम होता है इसमें मिडिल में आ जाता है सेंटर। यहाँ से हम लोग वापस जाना है, जितना हम लोग कर चुका है उसी स्टेप को वापस जाना है। अभी नाइन टाइम होगा, नाइन स्टेप। नाइन टाइम में सेम ही ऊपर उतरेगा ये रेत वाला। अभी यहाँ से शुरू करेगा ऑरेंज, जो वापस नीचे चला गया। उसके बाद ये वाइट जो मिडिल में आएगा, एक चेक दो दो रिनबूम करके, और ये दो कदम वापस आएगा, और ये सेट वाला भी दो रिनबूम निकाल के दो कदम वापस आएगा। ऐसे अभी ये तीन टाइम है, तीन स्टेप में सेम है। ये जो मिडिल वाला दो रिनबूम करके वापस नीचे चला गया वाइट जो, और दो रिनबूम करके क्रॉस मारा है रेड एक जो वापस राउंड करने के लिए, और ये जो वापस ऐसे राउंड करेगा मिडिल वाला नीचे चला जाएगा। देखो जब तीन टाइम होगा, तीन टाइम को कंप्लीट करके यहाँ में तीन टाइम में ही हम लोग ऑरेंज को देखो वापस डालना शुरू करेगा। दूसरा लाइन वाला ये जो ऑरेंज जो अभी वापस आ रहा है, तो इसी को चार रिनबूम निकाल के ग्यान का सामने में हम लोग इसको डालेगा। चार चार रिनबूम निकाल के रेत दोनों का बीच में जैसे पहले दो दो था ऐसे गैपिंग होना है। अभी इलेवन टाइम में ये दो तो अंदर चला जाएगा, एक जग मिडिल से यहाँ से एक जो अंदर चला जाएगा ये देखो, और मिडिल में दो रिनबूम करके एक जो आएगा ये देखो, और रेड जो वापस आएगा। ये ऑरेंज निकल गया, इस साइड वाला बता देगा रेड जो दो रिनबूम करके वापस अंदर तरफ, और ये ऑरेंज भी वापस अंदर तरफ दो दो रिनबूम, और ये गैंग तो ऊपर उठते रहेगा वन वन करके। देखो वन वन करके ऊपर उठते रहेगा, और ये रेड जो एक नीचे चला जाएगा और एक दो रिनबूम करके मिडिल में आएगा ऐसे। ओके अभी हम लोग ट्वेल्थ टाइम, ट्वेल्थ टाइम में आपको ये देखो ये मिडिल का दो तो को ऐसे राउंड करना है, और ये रेड भी राउंड और ऑरेंज भी दो दो रिनबूम, दो दो रिनबूम करके वापस जाएगा, और ये रेड वाला जो ऊपर उठते रहेगा वन वन करके। देखो वन वन क्रॉस करके, तो ये रेड जो वापस राउंड करके अंदर तरफ चला जाएगा, और ये वाइट सेम स्टेप होगा, और ये रेड राउंड वापस ऑरेंज भी दो, और ये वन वन रेड वापस और रेड इस साइड का ऐसे करके। जब ट्वेल्थ टाइम होगा तो दूसरा वाला ऑरेंज को भी वापस डालेगा, अभी जो सेकेंड वाला ऑरेंज लाइन को वापस फोर रिनबूम निकाल के जैसे पहले डाला था वैसे वापस। देखो दो अभी चार चार रिनबूम निकाल के सेकेंड वाला ऑरेंज को डालना है जब ट्वेल्थ टाइम होगा। देखो ये देखो सेकेंड लाइन वाला ना, अभी सेकेंड लाइन वाला को वापस डाल रहे चार रिनबूम करके। देखो अभी हो गया, अभी थर्टीन में, थर्टीन टाइम में ये वाइट जो अभी वापस नीचे चला गया। देखो वाइट कंप्लीट हो गया, अभी ऑरेंज रेड जो वापस वाइट का सामने आते रहेगा, ऑरेंज भी ये दो दो करके आते रहेगा, ये तो ऊपर उठते रहेगा ग्रांग वाला रेड जो, और ये सब दो दो करके वापस आते रहेगा मिडिल में। जब तक मिडिल नहीं पहुंचेगा तब तक ऐसे करते रहेगा। देखो अंदर चला गया, और ये रेड भी ऑरेंज भी ये अभी
13 टाइम कंप्लीट हो गया, अभी 14 टाइम, 14 इसलिए 14 में आपको यही दो रेड दो रेनबो में ऑरेंज भी ऐसे दो रेनबो रेनबो करके अंदर से वापस जाएगा, और ये गांग वाला ऊपर उठते रहेगा सिंगल सिंगल क्रॉस करके, ये भी रेड वापस, ऑरेंज भी वापस, और ये भी वापस इससे वापस उठेगा, ये भी रेड भी वापस। ये देखो अभी 14 टाइम में ये नीचे चला जाएगा, देखो सब अभी नीचे चला जाएगा, 14 में कंप्लीट होता है। ये देखो चला जा रहा है वापस सब, यहाँ से दोनों का बीच में ऐसे ऐसे करके दो गेपिंग करके, तो पहले जैसा डाला था उसी को उस वापस नीचे जा रहा है। देखो ऐसे ऐसे करके सबको वापस लाना है, एग्जिट 14 में कंप्लीट होता है। देखो देखो हो गया, अभी सबको नीचे लाके कंप्लीट हो गया। अभी ये रोलेक्स वापस 4 टाइम रोलेक्स डालना है, 4 टाइम रोलेक्स डालने के बाद अभी पताक पताक वापस डालेगा, ऐसे करके ये पताक को वापस बनाएगा। फूल तो कंप्लीट हो गया, तो अभी रोलेक्स हम वापस डालेगा, 4 टाइम्स डालना है रोलेक्स को ना। उसके बाद ये रोलेक्स डाल के हो गया, अभी ये कलर को वापस डालना है, ऑरेंज शुरू किया है, ऑरेंज ऑरेंज ऐसे करके ये कलर कॉम्बिनेशन, ये जो पताक बनाया है इसी को वापस डालना है। फूल कंप्लीट होने के बाद रोलेक्स 4 टाइम, उसके बाद एक आरुम का वैसे लगाता है, और ये 6161 करके, देखो अभी पताक बना के हो गया। देखो फाइनली फूल कंप्लीट हो गया, आज का हमारा फूल देखो।